वेलकम टू जी के लैंड दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है एमपी के गवर्नर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर। हम इनमें केवल नाम पढ़ेंगे क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है इन चार ऑप्शन में से कौन राज्यपाल कभी रहे हैं मध्य प्रदेश के या फिर नहीं, तो इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया, फिर इनके बाद आए हरि विनायक पाटसकर, फिर आए के सी रेड्डी, फिर न्यायाधीश पी वी दीक्षित जो कि एक कार्यकारी राज्यपाल थे, फिर के सी रेड्डी, फिर आए सत्यनारायण सिन्हा, निरंजन नाथ वांचू, चिप्पूदिरा मुनाथा पुनाचा, फिर आए भगवत दयाल शर्मा, फिर न्यायाधीश जी पी सिंह जो कि कार्यकारी थे, फिर भगवत दयाल शर्मा, फिर न्यायाधीश जी पी सिंह फिर से कार्यकारी, फिर भगवत दयाल शर्मा, फिर के एम चांडी आए, फिर आए न्यायाधीश एन डी ओझा, ये भी कार्यकारी थे। इसके बाद फिर के एम चांडी और फिर सरला ग्रेवाल, ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थीं। फिर कुंवर महमूद अली खान, फिर मोहम्मद शफी कुरैशी, डॉक्टर भाई महावीर, राम प्रकाश गुप्त, के एम सेठ जो कि कार्यकारी थे, फिर बलराम जाखड़, फिर रामेश्वर ठाकुर, फिर राम नरेश यादव, फिर ओपी कोहली और फिर आनंदीबेन पटेल। लालजी टंडन और आनंदीबेन पटेल वर्तमान में भी राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश की। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।